नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में शर्मनाक हार झेले के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं। चलिए बताते हैं आपको तीन बड़े बदलाव के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली द्वारा घोषित की गई चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए हैं। इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्तान विराट कोहली का यह फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ है और पहली पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को नतमस्तक करते हुए नजर आए हैं और टीम इंडिया की पहली पारी 78 रनों पर ढेर हो गई है। जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने जो रूट किस की सतकी पारी के बदौलत 432 रन बनाए, इसमें कप्तान जो रूट ने अकेले 121 रनों की पारी खेली और डेविड मलान ने भी 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। दोस्तों, इसके बाद जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी धीमी रही है और इसके बावजूद केएल राहुल आउट होकर जल्द ही पवेलियन लौट गए हैं। हालांकि इसके बाद रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने मिलकर भारतीय टीम को आगे बढ़ाया है, लेकिन 59 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा को ओली रॉबिन्स ने LBW आउट करके पवेलियन भेज दिया है, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 91 रनों की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारी खेली है। इसके अलावा भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज दूसरी पारी में भी ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए हैं। लिहाजा इंग्लैंड की टीम ने चौथे ही दिन 76 रनों के बड़े अंतर से भारतीय टीम से तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया है और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। दोस्तों, हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब टीम में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और जो खिलाड़ी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कप्तान विराट कोहली ने बताया कि एक बार फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और रोहित शर्मा संभालने वाले हैं और वहीं तीन नंबर पर अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाएगा। हालांकि चेतेश्वर पुजारा ने तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 91 रनों की पारी खेली थी और चौथे नंबर पर खुद कप्तान विराट कोहली होंगे और वहीं पांचवें नंबर पर रहाणे की जगह पृथ्वी शाह होने वाले हैं, जबकि छठे नंबर पर ऋषभ पंत और सातवें नंबर पर जडेजा की जगह अश्विन को मौका दिया जाएगा। वहीं आठ नंबर पर मोहम्मद शमी और नौ नंबर पर जसप्रीत बुमराह होंगे तथा दसवें नंबर पर ईशांत शर्मा और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारत चौथा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगा नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।